इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ बोगोता का बेस्ट टूरिस्ट जोन, यहाँ का ओल्ड सिटी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, बुएनस तार्देस, और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30, और एक्चुअली ऑलरेडी लेट हो गया। और आपको आज लेके जाने वाला हूँ मैं ओल्ड पार्ट ऑफ बोगोता, जिसे बोलते हैं कैंडेलारिया। तो यहाँ से कम 9 किलोमीटर का रास्ता तय करना है हमें, और लगने वाला है समथिंग अराउंड 45 मिनट्स, अगर ठीक ठाक ट्रैफिक रहा तो। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं और दिखाते हैं आपको ओल्ड पार्ट ऑफ बोगोता। तो गाइस, अगर आपने कॉलोमियन सीरीज के पहले तो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई ऑप्शन में जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और वो बेल आइकन भी दबा दें। जो माल तो गाइस, अभी बज रहे हैं दोपहर के 2, और उसको मुझसे मर्सिडीज। तो अभी हम जा रहे हैं हमारे ऊबर में, और हमारे चालक हैं आज के मिसेस मर्सिडीज, जो कि हैं बोगोता से। तो अब बात यह है, हम जा रहे हैं कैंडेलारिया, जो कि है सेंटर ऑफ बोगोता, और ये है समथिंग अराउंड 9 किलोमीटर यहाँ से। और शायद जो बिल आएगा ऊबर का वो है 11,200 कोलंबियन पेसोस। तो 11,200 गए 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, $4, 4, 4, 4, 6, 24, 28, 250 रुपये के आसपास। ये देखिए, ये ट्रांसमिलेनियो यहाँ की लोकल ट्रांसपोर्ट। और आवरा इस आसे मुझ अकेंते आवरा इन ट्रांसमिलेनियो से बोल रहा हूँ कि भाई साहब, कैमरा वैमरा है, बस बैग वगैरह है, तो ये लोकल बस मेरी लेने की हिम्मत नहीं पड़ी। वैसे एक बार ट्राई करेंगे ज़रूर अपन, एक बार पहुँचने के बाद एक बार जब ट्राई ज़रूर करूँगा मैं, किस तरह की सर्विस है और कितना क्या खर्चा आता है इसे एक विजिट में, एक बार अगर ट्रैवल करते हैं। तो जैसा मैंने कल बताया आपको, पूरी बोगोता जो सिटी है वो एवेन्यूज में डिवाइडेड है, मतलब स्ट्रीट्स में। जैसे शायद न्यूयॉर्क तो मैं नहीं गया हूँ, मतलब यूएस तो मैं नहीं गया हूँ, बोलते यूएस में भी पूरा जो यूएस है वो ज़्यादातर स्ट्रीट्स में या एवेन्यूज में डिवाइडेड है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी डिवाइडेड है। तो ये कौन से मस्ते घर है तेरा, इस्ते कॉल नंबर होती है इस्ते 14। सो अभी हम जा रहे हैं एवेनिदा कारेरा स्ट्रीट 14। वैसे बोगोता में वीकडेज पे ड्राइविंग रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, जिसे बोलते हैं पिको ई प्लाका, मीन्स ऑड एंड इवन, जो दिल्ली में भी हम कई बार देख चुके हैं। खैर, पोल्यूशन में तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, बट जो वेल्दी फैमिलीज़ हैं उन्होंने ज़रूर दो दो गाड़ियाँ ले ली, एक इवन नंबर और दूसरी ऑड नंबर प्लेट। खैर, रोते पड़ते मैं पहुंच ही गया जहां पर एड्रियाना वेट कर रही थी। होला होला, बुएनस तार्देस, सिगामोस, एम्पेजामोस हुई तम्बिएन मुई तार्दे। तो आज भी हम बहुत लेट स्टार्ट किया। खैर, अब नए नए व्लॉगर बने हैं तो यहां पर हम भूल गए थे कि स्लो मोशन ऑन है भाई। तो 10 मिनट का भाषण देने के बाद मालूम चला कि भाई ये तो स्लो मोशन है, तो फिर हमने ये एक्सप्लेनेशन आपको आगे दिया। सो गाइस, वेलकम टू कैंडेलारिया। तो अभी हम हैं कैंडेलारिया में, जो कि बोगोता का एंशियंट पार्ट है, ओल्ड पार्ट है,
और यहीं से ही बोगोता की शुरुआत हुई थी, यहीं से ही बोगोता की फाउंडेशन हुई थी। तो बेसिकली इस पार्ट में आज के टाइम में यहाँ पर आपको मेनली हॉस्टल्स मिलेंगे और छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स हैं, छोटे मोटे कैफेज़ हैं, बार्स हैं और बिल्कुल चिल आउट करने की जगह है। और जो टूरिस्ट हैं वो लोग, उन लोगों के लिए ये जो जगह है वो मस्ट विजिट प्लेस है, क्योंकि मतलब एक किसी भी देश की अगर हिस्ट्री जाननी हो, उस कल्चर जानना हो, तो आपको उनका एंशिएंट पार्ट देखना बनता है और एंशिएंट पार्ट ही सबसे सुंदर होता है हर एक किसी देश का। बट जस्ट फॉर योर सिक्योरिटी पर्पस, आई डोंट रिकमेंड यू टू विजिट दिस प्लेस आफ्टर 9 बजे के बाद में। इट्स नॉट दैट सेफ हेयर बिकॉज लोग बाग बहुत कम होते हैं। तो बेसिकली कांदिलेरिया में अभी जो मैं दिखाने वाला हूँ वो पार्ट होगा यहाँ का एंशिएंट पार्ट, और मेनली जो ये पार्ट है फेमस फॉर ग्राफिटी पेंटिंग्स, जो कि पूरे इस कांदिलेरिया एरिया के अंदर आपको देखने को मिलेगी, और जहाँ पर गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है यहाँ पर आप पेंट कर सकते हो ग्राफिटी पेंटिंग्स। तो जो जगह है काफ़ी कूल लगने वाली जगह है, देखिए आप काफ़ी रंग बिरंगे अलग अलग तरीके के यहाँ पर घर हैं, रेस्टोरेंट हैं, और ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है ये जो कांदिलेरिया एरिया है, मुश्किल से 1.5 किलोमीटर के अंदर पूरा कांदिलेरिया सिमट जाता है। तो इफ़ यू आर हेयर इन बोगोता, दिस प्लेस इज़ अ मस्ट टू विजिट, सो लेट्स टेक यू टू सम अदर प्लेस, फॉलो। सो गाइस, जस्ट अभी पूछने वाले हैं कि भाई यहाँ पर ड्रोन उड़ा सकते हैं या नहीं, लगता तो नहीं है, पुलिस बोलेगी। लेट्स सी कैसे से पुए अजी अजी स्थल पुलिस है। आ इसी प्रश्न पर सर से तो बोला कि पुलिस से पूछ के आया है, और किसी सिक्योरिटी गार्ड से सही नहीं है पूछना। सो गाइस, ये है कांदिलेरिया का मेन की मेन स्ट्रीट जो कि बहुत फेमस है, और यहाँ पूरी जो गली है ये ग्राफिटी पेंटिंग्स जो है उसके लिए फेमस है, बहुत ही शानदार पेंटिंग्स हैं यहाँ पर। देखिए पीछे की तरफ, और ये देखिए सब है, और ये है मेन स्क्वायर ऑफ कांदिलेरिया। तो आपको ओल्ड पार्ट में इस तरीके से कई सारे लोग मिल जाएंगे ये ड्रिंक ऑफर करते हुए। इस ड्रिंक का नाम है चीचा, और ये है यहाँ की देसी। तो ये ड्रिंक बनती है कॉर्न से, और इसका स्वाद तो बिल्कुल, मतलब मैं क्या बताऊँ, इसका स्वाद तो जैसे छाछ को 10 दिन तक आपने धूप में रख दिया और फिर आप पी रहे हैं वैसा उसका स्वाद था। तो मुझे कुछ खास लगा नहीं, तो हमने ग्रासियस बोलते हुए वहाँ से निकल लिए। Thank you.
तो ये मेरा पहला स्ट्रीट फूड था कोलंबिया में, क्योंकि ये वेजिटेरियन था। ये एक्चुअली होता है राइस का वेफर जिसके ऊपर लगाते हैं टॉपिंग। मैंने ली थी न्यूटेला की टॉपिंग, और उसके बाद जो इन्होंने लगाया वो था वाइट कलर की मलाई, और यह मलाई डाल के पूरा हिसाब किताब ख़राब हो गया। आप विदाउट मना लीजिए, चीज़ बढ़िया है। एक्चुअली ये है वेगन रेस्टोरेंट। नॉर्मली आई डोंट लाइक वेगन रेस्टोरेंट, नो मे गुस्टा मुचो वेगन रेस्टोरेंट, पोर्के नो से पोने नाडा दे लेचे, नाडा दे queso, mantequilla, todo es de planta. No es, yo he comido dos, tres veces, siempre con amigos. No me gustaba mucho. Y aquí amará. Order. Este es mi pedido. Oh, pues. Déjenme ver si lo grabo ahí. ¿Este de qué es? Es una hoja. ¿De banana? Mata de plátano. Sí. Plátano. Y lleva esto. I don't know how it is. Let's see. Expectation to java ni hai. But let's see how it is. Pensaba que viene. Khair, jaisa expected tha, waisa hi khana tha. Not good. ¿Quieres pedir pan? Un pan integral. Sí, lo hace mejor. ¿Quieres? Sí. ¿O no? Gracias. ¿Quiere probar? Bueno, gracias. ¿Bien? Bra suato, bra jibes. Patatas. Potato hai, onion. और गाजर क्या क्या है, गाजर 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 भाई हमें तो चाहिए पिकांते पिकांते मुझो पिकांते Mi hermano, oh, no es picante. Esto es vinagre. Ah, vinagre. Mezclado, creo, mezclado. Feo. So, भाई लोगो, just had lunch. Lunch में हमने खाया temale colombiano, और मोहतरमा ने खाया एक्चुअली अलग ही डिश थी जिसका नाम मुझे याद नहीं है, बट वेगन थी। तो टोटल बिल था समथिंग अराउंड 36,000 पेसोस कोलम्बियानोस, जो कि है $12 के आसपास, $12 इंटू 700-800 रुपये। महंगा था, बट एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस इतना महंगा नहीं है, क्योंकि जो लोकेलिटी है वो है कंदेलरिया और हॉस्टल का जोन है, इसलिए सस्ता है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए लेते हैं आपसे विदा, और अगर मेरे एफर्ट्स आपको थोड़े भी पसंद आए हों तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ में अपने बाकी इंडियन भाइयों और उनकी बहनों के साथ शेयर भी करना है, ताकि दुनिया के इस हिस्से की खबर भी उनके पास तक पहुँच पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Adiós amigos, hasta luego.